ठ लेक्चर में आप सबका स्वागत है मित्रों सभ्यता के शुरू से समाज राजनीति अर्थास्त्र को समझने की कोशिश की जा रही है उसमें कई पड़ाव आए कई आयाम जुड़े कई चिंतकों ने अपनी तरह से समाज के बारे में सोचा और समझने की क्या विधि होनी चाहिए कैसे समाज और राजनीति और सत्ता और सरकार को देखा जाए इस पर विचार हुआ और अब तक एक लंबी लिस्ट है चिंतकों की लेकिन अगर भारतीय चिंतकों को देखें तो उसमें जो पहला नाम आता है वह चाणक्य का है चाणक्य को तीन नामों से जाना जाता है विष्णुगुप्त चाणक्य और कौटिल और हम सब लोग चाणक्य के बारे में कहीं ना कहीं सुने हैं या जब भी कुछ बात आती है राजनीति की तो एक माना जाता है एक चाणक्य के नाम अपने आप आ जाता है आखिर कौन से वो गुण थे क्या उनके विचार थे क्या उनके दर्शन थे उस पर आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं प्रोफेसर एम पी सिंह आप जाने माने पॉलिटिकल साइंस थिंकर हैं और फेडरलिज्म के तो, आ, के क्षेत्र में आपका बहुत काम है और दुनिया भर के चिंतकों के बारे में भी आपकी अपनी पकड़ है जो न, और जो काम है उसको वाइडली अप्रिशिएट किया जाता है तो आज हम लोग कौटिल्य लो को आ, समझने की कोशिश करेंगे उनके नज़रियों को जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर एम पी सिंह के साथ इस उद्देश्य से प्रोफेसर एम पी सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें वेलकम है धन्यवाद अमरिंदर जी कौटिल्य विश्व का बहुत महान राजनीतिक चिंतक हुआ है कौटिल्य के टेक्स्ट की डिस्कवरी 1905 में हुई और उस डिस्कवरी के पहले तक भारत के बारे में ये कहा जाता था कि भारत का आध्यात्मिक चिंतन या दर्शन बहुत गहरा है लेकिन भारत का राजनीतिक चिंतन उतना गहरा नहीं है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की उपलब्धि के बाद 1905 में तंजौर के एक पंडित ने इसका मैनिस्क्रिप्ट प्रोफेसर आर सामशास्त्री को दिया और उन्होंने इसे प्रकाशित किया एडिट करके इंट्रोडक्शन के साथ प्रकाशित किया और इसका दूसरा संस्करण इस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन और इंट्रोडक्शन के साथ प्रोफेसर आर पी कांगले ने प्रकाशित किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर पी कांगले ने और एक तीसरा एडिशन अंग्रेजी ट्रांसलेशन टेक्स्ट नहीं है उसमें लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन और पैसेजेज को रीअरेंज या रीग्रुप किया है एडिटर ने इस ख्याल से कि ओरिजिनल टेक्स्ट में चैप्टर्स सिमिलर चैप्टर्स कुछ इधर उधर हैं तो एक जगह उनको रीग्रुप कर दिया जाए जिससे पाठक को सुविधा हो और एक लंबे इंट्रोडक्शन के साथ प्रोफेसर एल एन रंगराजन ने एक नया एडिशन प्रकाशित किया है तो Uh, कौटिल्य के बारे में जैसा कि अमरेंद्र जी ने कहा तीन नामों से uh, उसे जाना जाता है और इसके बारे में इतिहासकारों में या ओरिएंटलिस्ट्स में प्राच्य विद्या के विद्वानों में uh, काफ़ी विवाद है विवाद व्यक्ति के बारे में भी और टेक्स्ट के बारे में भी व्यक्ति के बारे में कि आफ्टरऑल uh, कौटिल्य कौन था चाणक्य कौन था विष्णुगुप्त कौन था और टेक्स्ट के बारे में किसका डेट क्या है संभव डेट क्या है क्योंकि डेट उसमें उल्लिखित नहीं है और कौटिल्य ने पश्चिम के चिंतकों की तरह एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल थॉट तो दे दिया है लेकिन उसने पश्चिम के चिंतकों की ही तरह यह नहीं लिखा है कि किस देश या किस राज्य के बारे में वो थियराइज़ कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जैसे हॉब्सलॉक रूसो का है उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस्टेट क्राफ्ट पर कौटिल्य का है इतिहासकार रोमिला थापर ने काफ़ी अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि उनका यह निष्कर्ष है कि टेक्स्ट जो है वह मौर्यन स्टेट मगध में जो हुआ मौर्यन मौर्य राज्य मगध का जो था या मगध का ही गुप्त राज्य जो था इन दोनों राज्यों में मौर्य राज्य तीसरी दूसरी सदी बीसी का है और गुप्त राज्य दूसरी तीसरी सदी एडी का है इन दोनों राज्यों के बीच का राज्य का राज्य का जो स्ट्रक्चर था वही सबसे ज़्यादा संभावित लोकेल या स्थान लगता है अर्थशास्त्र का क्योंकि जिस तरह के राज्य का वर्णन इसमें जो किया गया है वह ऐसा है जो काफ़ी विकसित हो चुका था इसके पहले के जो राज्य भारत के थे वैदिक काल के या पोस्ट वैदिक काल काल के नंद और मौर्य वंश में मगध का जो राज्य था उसके पहले के जो राज्य थे वो छोटे थे और साधारण संरचना के राज्य थे उनका इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था तो अनुमान यह लगाया जाता है कि नंद या मौर्य वंश में जो मगध का राज्य था जो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका था उसी का वर्णन इसमें लगता है लेकिन रोमिला रोमिला था पर और दूसरे इतिहासकारों का भारत के और विद्वान इतिहासकारों का मत है कि यह मौर्य राज्य का सबसे संभावित आ, 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 लोकेल इसका वही है और पीरियड भी उसका यही यही है और जहाँ तक तीन व्यक्तियों के बारे में है तीन व्यक्तियों के बारे में जो विवाद है उसके बारे में आ, उनका रोमिला थापर का मत है कि आ, इसकी रचना तो चौ या कौटिल्य ने ही की है लेकिन विष्णुगुप्त ने बाद में उसमें कुछ एडिटिंग या इंटरपोले इंटरपलेशन किया है उसमें कुछ और छेपक डाले होंगे तो इस तरह से तीन ऑथर्स की चर्चा होती है लेकिन रोमिला थापर का जो निष्कर्ष है वह इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त का ओरिजिनल टेक्स्ट उसी का लिखा हुआ माना है उन्होंने और इसका जो संभावित स्थान है वह मगध का मौर्य वंश का काल आ, आ, संभावित संभावित स्थान और संभावित काल वही है अब आ, मैं आ, कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षेप में कौटिल्य के आ, चिंतन तीन पहलुओं पर उसके चिंतन का मैं विश्लेषण करना चाहूँगा सोसाइटी इकोनॉमी और स्टेट समाज राज्य समाज अर्थतंत्र और राज्य इन तीन पहलुओं पर इन तीन महत्वपूर्ण जो आ, आ, संस्थाएं हैं उन पर कौटिल्य का चिंतन क्या कहता है कौटिल्य आ, कौटिल्य में हम आ, जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विभेद का वर्णन पाते हैं वह है आर्य और आर्य वर्णाज और नॉन आर्याज के बीच आर्य और अनार्य आर्य और अनार्य नस्लों के बारे में आ, उसके टेक्स्ट में आ, समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण विभेद जो सामने आता है वह आर्य और अनार्यों के बारे में है आर्य आर्य का जो आ, आर्यों का जो समाज था वह वर्ण विभाजित था उसमें चार वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार ये वर्ण आर्यों के थे और फिर अनार्यों का जो समाज था उसमें जिन आ, आ, भागों या विभेदों का वर्णन है उनमें आते हैं आ, आ, उनमें जो जिक्र आता है आ, वह आता है जैसे आ, जैसे उनमें जो जिक्र आता है वह आता है चांडालाज स्वपच साबर्स पुलिंदाज इन विभिन्न विभेदों के साथ अनार्य समाज जो था इन विभेदों के साथ क्षेत्र में उभर कर सामने आता है चांडालाज का जो आ, आ, मीनिंग उभर कर आता है वो अनटचेबल्स जैसा प्रतीत होता है स्वपच डॉग ब्रीडर्स या डॉग ईटर्स का एक आ, समूह था और साबर्स या पुलिंदाज वे उन टेरिटरीज़ को गार्ड करते थे जो आ, बॉर्डर या सेटल्ड क्षेत्रों के बीच का भाग था वहाँ पर जो गार्ड या पहरेदार का काम करते थे उन्हें साबर्स या पुलिंदाज कहा जाता था तो आ, समाज का जो वर्ण का वर्णन है काफ़ी विस्तार से किया गया है और इसमें ब्राह्मणों में जैसे ब्राह्मणों का, का सबसे महत्वपूर्ण दर्जा समाज में था और एंडो एंडोगेमिक वर्ण थे सारे चार वर्णों में आप अंदर ही शादी विवाह वर्ण के अंदर ही शादी विवाह की प्रथा थी लेकिन वर्ण से परे भी शादियां होती थी और उनसे जो संतानें निकलती थीं उन्हें एक अलग वर्ग क्रिएट किया 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 गया है उनके लिए अलग अलग वर्ग बनते जाते थे और आ, दो प्रकार की जैसे शादियाँ शादियों का जिक्र आता है आ, अनुलोम और आ, विलोम अन, अनुलोम अनु अनुलोम शादियाँ अनु, वे थीं जिनमें एक वर्ण के अंदर शादी होती थी और प्रतिलोम या विलोम शादियाँ वो थीं जो दो वर्णों के बीच में होती थीं तो वर्णों के बाहर भी शादियां होती थीं तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि रेशियल डिवीजन नहीं था और आर्यों के बारे में लिखा है कि उन्हें स्लेव नहीं बनाया जा सकता था हालांकि विपत्ति में पड़ने पर वे अपने को या अपने परिवार को बंधक या स्लेव प्लेज कर सकते थे किसी के किसी के यहाँ लेकिन उनके बच्चे फिर आ, उस बंधन से परे होते थे तो आर्यों का समाज में दर्जा कुछ ऊंचा था लेकिन ऐसा नहीं था कि वे आ, किसी और आ, इनो आ, आ, वल्नर, वल्नरेबिलिटी से पूरी तरह से परे थे जैसे स्लेव उन्हें नहीं बनाया जाता था लेकिन वे अगर विपत्ति में हों तो अपने आप को किसी के यहाँ स्लेव के तौर पर प्लेज कर सकते थे और इस तरह से तो समाज में रेशियल डिवीजन बहुत शार्प नहीं था ऐसा प्रतीत होता है ब्राह्मणों में दो तरह के वर्ग थे एक श्रोत्रीय थे जो विद्वान टेक्चुअली स्कॉलर टेक् टेक्चुअल स्कॉलरशिप जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग था और दूसरे कॉमन ब्राह्मण्स थे क्षत्रियों में मुख्यतः राजा के खानदान के लोग से जो वर्ग बनता बन गया था मोस्टली वही लोग आते थे क्षत्रिया जो थे वो नोबल बर्थ के थे और अक्सर राजा के परिवार का जो वंश विस्तार होता था उससे राजन्याज का वर्ग बना था और क्षत्रियों के बारे में ये ये बात एक ध्यान देने की है कि वे सबसे वो प्रोटेक्टर्स ऑफ द लैंड माने जाते थे और सबसे अच्छे योद्धा माने जाते थे हालांकि सेना में केवल क्षत्रिय ही भर्ती नहीं होते थे सेना में क्षत्रियों के अलावा सारे वर्णों के लोग भर्ती हो सकते थे और होते थे लेकिन क्षत्रियों को काफ सबसे अच्छा योद्धा माना जाता था और लेकिन वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग भी सेना में होते थे और संख्या उनकी अगर ज़्यादा होती थी तो वो क्षत्रियों से भी अच्छा युद्ध में परफॉर्मेंस कर सकते थे आ, वैश्याज में मुख्यतः कृषि कर्मी आते थे व्यापारी आते थे वैश्या में मुख्यतः भ्या, व्यापारी आते थे और शूद्र में कृषि कर्मी आते थे खेतीहर जो लोग थे वो शूद्र थे आ, ऋग्वेद के समय के टेक्स्ट में आ, आ, वैश्य में कृषक लोगों को भी शामिल होते हमने पढ़ा है लेकिन अर्थशास्त्र में ये आ, वैश्य में सिर्फ व्यापारियों को रखा गया है और शूद्र में कृषक कर्मियों को रखा गया है इसका मतलब यह है कि कृषि कर्म के अलावा व्यापारी वर्ग ऋग्वेद के समय कृषि कर्मी वैश्य सबसे बड़ा वर्ग वैश्यों का था और कर्मी थे वो लेकिन अर्थशास्त्र में जो टेक्स्ट बताता है उससे लगता है कि एक महत्वपूर्ण व्यापारी वर्ग आ गया था और कर्मी शूद्र वर्ग में यहाँ दिखाए गए हैं इकोनमी जो अर्थशास्त्र में उसका रूप जो उभरता है उसका स्वरूप जो हमारे सामने आता है उससे स्पष्ट होता है कि तीन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ तीन थी खेती पशुपालन और व्यापार खेती पशुपालन और व्यापार सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा संख्या में लोग इन्हीं तीन आर्थिक क्रियाओं में लगे थे लेकिन साथ साथ यह भी उभर कर सामने आता है कि माइनिंग काफ़ी डेवलप्ड था खानों से बहुत तरह के मेटल्स और खान खनिज निकलते थे और उनका व्यापार होता था और गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे बेचे जाते थे और व्यापारी वर्ग भी व्यापार वर्ग तो तीसरे दर्जे पर यहाँ खुद ही अभी में, मेंशन हमने कर दिया है लेकिन कहने का मतलब यह है कि खनिज फिशरीज खनिज और फिशरीज और मैन्युफैक्चरिंग इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था इकोनॉमी में और इकोनॉमी की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र के पढ़ने से यह भी लगता है कि वार की इकोनॉमी या युद्ध की इकोनॉमी काफ़ी डेवलप्ड थी और हाथी घोड़े और हथियारों का बहुत बड़ा यू नो आ, 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 रेज किया जाता था मैन्युफैक्चर किया जाता था और इन आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ वार की इकोनॉमी भी काफ़ी डेवलप प्रतीत होती है अर्थशास्त्र को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है आर्थिक क्रियाओं के दो सेक्टर उभर कर सामने आते हैं प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर भी था उस समय और बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी स्टेट सेक्टर में था राज्य के क्राउन लैंड्स जो थे उनका उन पर स्टेट खुद फार्मिंग करता था और एग्रीकल्चर प्राइवेट फार्मिंग के अंदर भी था और फिर स्टेट ट्रेडिंग में मिनरल रिसोर्सेज की भी स्टेट ट्रेडिंग होती थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की भी स्टेट ट्रेडिंग होती थी आ, नमक का उत्पादन और व्यापार भी स्टेट भी स्टेट के भी नियंत्रण में था तो स्टेट सेक्टर का काफ़ी डेवलप्ड रूप लगता है उस समय छोटा मोटा नहीं पब्लिक सेक्टर में आर्थिक क्रिया होती थी और साथ साथ स्टेट सेक्टर भी सॉरी प्राइवेट सेक्टर में आर्थिक क्रियाएं होती थी और साथ साथ पब्लिक सेक्टर या स्टेट सेक्टर भी काफ़ी डेवलप्ड प्रतीत होता है मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थी मनी इकोनॉमी डेवलप कर चुकी थी मुद्रा इकोनॉमी डेवलप कर चुकी थी मुद्रा म, मुद्रा की आर्थिकी विकसित हो चुकी थी और जो मुद्रा उस समय चलती थी उसे पर्णज या पर्णज कहते हैं पर्ण 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 संस्कृत में और पण पण पाली में पर्ण या पण मनी को कहते थे मुद्रा को कहते थे और पण डि दिवाई, सब डिवाइडेड था Uh, म, uh, मशक uh, माशकाज एंड uh, uh, काकनीज छोटे यूनिट जो मनी के थे पणा सबसे बड़ा यूनिट था जैसे रुपया आजकल सबसे बड़ा यूनिट है और uh, माशकाज़ या काकनीज छोटे यूनिट थे छोटे सिक्के थे सिल्वर एंड कॉपर के क्वाइंस सर्कुलेशन uh, uh, में थे uh, फिर टैक्सेशन का सिस्टम काफ़ी इलाबोरेट लगता था लगता है कि राज्य का जो कर विभाग था काफ़ी विकसित था और बहुत तरह के टैक्सेज का वर्णन हम पाते हैं और इन सारी क्रियाओं के कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए पब्लिक ब्यूरोक्रेसी काफ़ी डेवलप थी अफसर तंत्र या सरकारी अधिकारी तंत्र काफ़ी विकसित लगता है हम बाद में देखेंगे अधिकारी तंत्र काफ़ी विकसित था इसकी चर्चा जब हम राज्य के बारे में आएंगे तो उसकी चर्चा कुछ और करेंगे आ, तो आ, कहने का मतलब यह है कि आर्थिक तंत्र काफ़ी विकसित हो चुका था और कॉम्प्लेक्स था सिंपल बार्टर इकोनॉमी नहीं थी काफ़ी मोनेटाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी डेवलप कर चुकी थी और स्टेट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन वय, क्रियान या नियमन होता था अब हम अर्थतंत्र अर्थ समाज और समाज तंत्र और अर्थतंत्र का संक्षेप में वर्णन करने के बाद हम अब राज तंत्र या राज्य या शासन तंत्र के स्वरूप पर आते हैं अगर बाद में हम समय अगर बचा तो प्रश्न इसके बारे में और पूछे जा सकते हैं जिसका मैं और स्पष्ट करूंगा अगर कोई आ, कोई प्रश्न आता है इनके बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के बारे में जो सिद्धांत है उसे सप्तांग राज्य के नाम से जाना जाता है कौटिल्य ने सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट दिया है सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट का जिक्र कौटिल्य के पहले के कुछ ग्रंथों में भी आता है लेकिन इतना विस्तार से सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट पहले कभी नहीं डेवलप किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग थियरी या सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट सात अंगों वाले राज्य का इतना विशद विश्लेषण पहले और किसी टेक्स्ट में नहीं मिलता है राज्य के सात अंग क्या क्या थे पहला आ, पहला अंग स्वामी या राजा को माना गया है राज्य का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट स्वामी या राजा था दूसरा आमात्य या काउंसिलर्स या मिनिस्टर्स थे तीसरा अंग जनपद या राष्ट्र जनपद या राष्ट्र जनपद से टेरिटरी एंड पॉपुलेशन दोनों का बोध होता है राज्य का चौथा अंग दुर्ग या फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज को माना गया है कौटिल ने राज्य का चौथा अंग दुर्ग या 45 टाउन्स एंड सिटीज को बताया है राज्य का पांचवां अंग कोष या ट्रेजरी को बताया गया है कोष या ट्रेजरी छठा अंग दंड या आर्मी दंड या आर्मी बल्कि राजनीति को उस समय दंड नीति भी कहते थे दंड नीति तो दंड दंड राज्य का एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट था आर्मी या पुलिस फोर्स जिसे कह सकते हैं और राज्य का सातवां अंग था मित्र या अलाइज ध्यान देने की बात एक यह है कि मित्र को भी अलाइज जो हैं वो फॉरेन किंग्स हैं फॉरेन दूसरे देश विदेशी राजे जो हैं वे राजा के मित्र होते थे अलाइज होते थे लेकिन उन्हें भी कौटिल्य ने राज्य के सातवें अंग के रूप में वर्णित किया है इससे एक बात यह खुलकर सामने आ रही है कि यूरोप में आधुनिक यूरोप में मॉडर्न यूरोप में जो स्टेट सॉवरेंटी की थियोरी डेवलप की है जो आजकल हम लोग भी अब मान रहे हैं आ, 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 पूरे विश्व में यूरोपियन स्टेट सिस्टम अब प्रिवेल कर गया है और हम लोग भी थियोरी ऑफ़ सॉवरेंटी में सब्सक्राइब करते हैं भारत राज्य भी थियोरी ऑफ सॉवरेंटी में विश्वास करता है भारतीय संविधान भी सॉवरेंटी का जिक्र करता है प्रियम्बुल में तो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न यूरोप में जो डेवलप किया उसके अनुसार कोई भी राज्य सबसे सर्वोपरि संस्था है न तो राज्य के अंदर और न राज्य के बाहर इससे ऊपर की संस्था है मतलब राज्य सर्वोपरि है न देश के अंदर न देश के बाहर इसके ऊपर हायर फोर्स है हायर अथॉरिटी है और मित्र को मॉडर्न थ्योरी ऑफ सॉवरिंटी में अलाइज को स्टेट का एक्सटर्नल एलिमेंट मानते हैं लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देख रहे हैं कि मित्र को या अलाई को स्टेट का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट माना गया है यह तो स्पष्ट होता है अर्थशास्त्र को पढ़ने से कि मित्र जो था वो विदेशी राजा था लेकिन मित्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए मित्र कैसा होना चाहिए कितना विश्वसनीय होना चाहिए अगर रिलेटिव है तो और अच्छा है शादी संबंध अगर हो जाए तो और अच्छा है तो मुझे लगता है कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम में जो थी सॉवरेंटी का सिद्धांत आजकल जो है उसमें अलाइज को एक्सटर्नल एलिमेंट माना जाता है यहाँ कौटिल्य उसको राज्य का एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मान रहा है इसकी व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि उस समय भारतीय भूभाग में हिमालय और समुद्रों के बीच जो भूभाग है भारत उसके आपसी देशों के बीच का ही संबंध उसमें वर्णित है और चूंकि ज्योग्राफी ने एक नेचुरली डिमार्केटेड भूभाग जो एक तरफ हिमालय से और बाकी समुद्रों से घिरा हुआ होने के कारण एक शेयर्ड एग्जिस्टेंस शेयर्ड इंटरेस्ट शेयर आइडेंटिटी उन राज्यों में डेवलप कर गई थी जो उस समय थे और उन्हें लगता था कि एक राज्य दूसरे राज्य से बिल्कुल इलाजा नहीं है एक राज्य दूसरे राज्य पर आ, के साथ रहना है उसे निर्भर है बल्कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो आ, बाद में हम डिस्कस करेंगे थियोरी ऑफ राजमंडला उसमें हम देखेंगे कि विजिक्सु विजिक्सु या कौंकर कैसे बाकी राज्यों को जीतकर अपना राज्य विस्तार करे इसके बारे में भी कौटिल्य प्रिस्क्राइब करता है तो आ, और फिर चक्रवर्ती राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उस समय के बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाते हैं अर्थशास्त्र में भी चक्रवर्तिन राजा का कॉन्सेप्ट किसी न किसी रूप में मौजूद है लेकिन ज़्यादा क्लियर कट ढंग से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आया है चक्रवर्ती किंगशिप का और चक्रवर्ती किंगशिप का कॉन्सेप्ट लेकिन अर्थशास्त्र में भी मौजूद है और चक्रवर्ती किंग का जो डेफिनीशन है वह यह है कि भारत का वह राजा भारत का वह राज्य जो हिमालय से लेकर समुद्रों से घिरे भूभाग पर पूरे क्षेत्र में प्रभावी हो जाए शासन करे वही चक्रवर्ती राजा है तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय राष्ट्रवाद की भावना तो नहीं आई थी राष्ट्रवाद की भावना आधुनिक कॉन्सेप्ट या आधुनिक डेफिनेशन के रूप में जो हम जानते हैं वो डिफरेंट है लेकिन आ, उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का मूल रूप भारतीय भारतीय राष्ट्रवाद का आदि रूप आरंभिक रूप उस समय भी देखा जा सकता है तो अर्थशास्त्र में जो सात कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स राज्य के जो बताए गए हैं उनके बारे में कौटिल्य कहता है कि इन सातों अंगों में एक हैरारकी है श्रेणीबद्धता है श्रेणीबद्धता है और ऐसा नहीं है कि एफ, हैफजर्ड या जैसे तैसे इन्हें एक सूची में लिख दिया गया है सूची में एक श्रेणीबद्धता है जो पहले दूसरे आ, या इसी क्रम से जो पहले उल्लिखित अंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी भी राज्य के फॉर्मेशन के लिए या राज्य के निर्माण के लिए राज्य के संरक्षण के लिए राज्य की रक्षा के लिए जो पहले उल्लिखित अंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आ, राजा न हो के आ, 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 राजा और मंत्री में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कौटिल्य के मत से आ, राजा है और उसी क्रम से आप बारे, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि किन किनका महत्व किन के बाद है एक बात जो मुझे ध्यान में आ रही है वह यह है कि दंड छठे नंबर पर है दंड छठे नंबर पर है तो उसका महत्व काफ़ी कम है इसलिए मुझे लगता है कि कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत में कोअर्शन या दबाव बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता था कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत में लेजिटिमेसी या वैधता की मात्रा हम पाते हैं क्योंकि अगर दंड सबसे महत्वपूर्ण अंग होता या ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता तो सीधे राजा के बाद इसका उल्लेख किया जा सकता था या मंत्री के बाद किया जा सकता था लेकिन हम देखते हैं कि जनपद भूभाग और जनता भूभाग और आबादी को तीसरे नंबर पर रखा गया है जनता को पीपल को तीसरे नंबर पर रखा गया है भूभाग और जनता को तीसरे नंबर पर रखा गया है और दंड या कुअर्शन को आर्मी या पुलिस को छठे नंबर पर रखा गया है बाद का महत्व का तत्व है Uh, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सरकार या अधिकारी तंत्र का ढांचा है वो काफ़ी विस्तार या विशद से काफ़ी uh, विशद या विकसित है इस अर्थ में कि कौटिल्य 33, 33 विभागों का सरकार के अधिकारियों के 33 विभागों का सरकार के शासन के 33 या थर्टी थ्री डिपार्टमेंट्स का उल्लेख करता है और इन सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स का जिक्र करता है जिन्हें अध्यक्षाज कहा गया है uh, उदाहरण के तौर पर कोश का अध्यक्ष ट्रेजरी का अध्यक्ष उदाहरण के तौर पर एलिफेंट या हाथी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष उदाहरण के तौर पर मिनरल डिपार्टमेंट का अध्यक्ष कृषि डिपार्टमेंट का अध्यक्ष इत्यादि तो 33 विभाग और उनके अध्यक्षों का की सूची हम अर्थशास्त्र में पाते हैं राजधर्म पर कौटिल्य बहुत जोर देता है आ, क्योंकि आ, क्योंकि राजा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द स्टेट है राजा और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा को यहाँ एक एब्सल्यूटिस्ट या तानाशाह के रूप में पेश नहीं किया गया है राजा के बारे में कौटिल्य कहता है कि राजा को अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा करके काम करना चाहिए राजा को अपने प्रजा के योग क्षेम पर ध्यान देना चाहिए कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहता है कि राजा की अपनी खुशी प्रजा की खुशी में है और योग क्षेम उसका कर्तव्य है कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत और भारत में कौटिल्य के पहले के राज्य के सिद्धांत में एक अंतर स्पष्ट यह होता है कि प्री कौटिल्यन स्टेट के जो सिद्धांत भारत में हैं उसमें राजा का या राज्य का एकमात्र कर्तव्य यह बताया गया है कि वर्णाश्रम धर्म का अपहोल्ड करेगा वर्णाश्रम धर्म को अपहोल्ड करेगा इम्प्लीमेंट करेगा इसका अर्थ यह है कि वर्णाश्रम धर्म का जो लॉ है वह ऑलरेडी समाज ने बनाया हुआ है समाज के एवोल्यूशन या समाज के विकास के साथ कस्टम और ट्रेडिशन के साथ समाज का वर्णाश्रम धर्म ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड है और राजा की ड्यूटी उसी का इम्प्लीमेंटेशन है राजा की ड्यूटी उसी को अपहोल्ड करना है जारी करना है किसी भी प्री कौटिल थियरिस्ट ने ये नहीं लिखा है कि राजा अपना कानून भी बना सकता है स्टेट अपना लॉ भी बना सकता है पहली बार कौटिल्य में हम पाते हैं कि कौटिल्य ने कहा कि राज राज्य या राजा वर्णाश्रम धर्म को इम्प्लीमेंट करेगा कस्टमरी लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा लेकिन साथ साथ कौटिल्य यह भी लिखता है कि स्टेट या राजा नए कानून या अपने कानून भी बना सकता है और यह भी लिखता है कि अगर शास्त्रों के कानून में और राज राज्य राज के धर्मान्याय में शास्त्रिक न्याय में और धर्म न्याय ऑफ द स्टेट में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो राज्य का जो धर्म न्याय है वह प्रिवेल करेगा शास्त्रों का जो न्याय है उस पर राज्य का धर्म न्याय जो है वो हावी होगा उसका ज़्यादा महत्व है आ, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है शास्त्रिक न्याय में और धर्मशास्त्राज में और राज्य के अर्थशास्त्रा में तो राज्य का जो धर्मान्याय है वो प्रिवेल करेगा आ, राज्य के बारे में आ, एक महत्वपूर्ण विवाद है कौटिल्य के आ, राज्य के सिद्धांत के बारे में इस कौटिल्य पर जो भी साहित्य उपलब्ध है व्याख्यात्मक साहित्य उसे अगर आप पढ़ें तो दो तरह के विचार सामने आते हैं एक तो इतिहासकारों में आर एस शर्मा रोमिला थापर इत, इत्यादि विद्वानों के मत हैं और दूसरी ओर एक डच इंडोलॉजिस्ट का मत है डच इंडोलॉजिस्ट जेसी हिस्टरमैन जेसी हिस्टरमैन एक डच इंडोलॉजिस्ट है उसने एंशेंट इंडियन थॉट पर एक किताब लिखी है द इनर कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन द इनर कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन जिसमें मुख्यतः ब्राह्मण क्षत्रिय जो डुअलिटी है या कॉन्फ्लिक्ट है आ, उस उसके बारे में जो एंशियन टेक्स्ट में जो आ, डिस्कोर्स मिलता है उसके आधार पर आ, उसने एक एक किताब लिखी है इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेडिशन जेसी हिस्टरमैन ने उसने जो व्याख्या दी है वह अलग है और जो ज़्यादा व्यापक रूप से मान्य व्याख्या है वह इतिहासकारों में आर एस शर्मा या थापर की व्याख्या है इन इतिहासकारों का मत है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मगध का राज्य मगध के राज्य के और स्रोत भी हैं मगध के राज्य के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह केवल अर्थशास्त्र से नहीं है जैसे उसके और भी स्रोत हैं जैसे एक और महत्वपूर्ण स्रोत है अशोका के एडिक्स अशोक चंद्रगुप्त का पोता था और मगध और मौर्य मौर्याज में सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ अशोका द ग्रेट तो अशोक चंद्रगुप्त का पोता था और चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था तो चाणक्य का जो स्रोत है वो चंद्रगुप्त के समय का है और अशोक ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता के बारे में जो जानकारी काफ़ी मिलती है वह अशोका ने शिलालेख बहुत सारे पूरे अपने साम्राज्य में अफग़ानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक और आ, आ, नेपाल से लेकर के कर्नाटका तक दक्षिण तक धुर दक्षिण तक अशोक के शिलालेख मिलते हैं तो अशोक ने शिलालेखों पर रॉक एडिक्टन पिलर एडिक्स कुछ रॉक एडिक्स हैं कुछ पिलर हैं। तो शिलालेखों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है अशोक के तो और फिर मौर्य राज्य के बारे में जो उस समय के जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ आए हैं खनन से जो आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उनके आधार पर मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारी जानकारी है तो इतिहासकारों ने अर्थशास्त्र के अलावा अशोकन एडिक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का भी सहारा लिया है और इन सब को मिला जुला करके मगध के राज्य या मौर्य राज्य का ऐतिहासिक वर्णन हमें दिया है तो इन लोगों का विचार यह है कि अर्थशास्त्र में जो राज्य का वर्णन है या मगध का जो इतिहास हमें उपलब्ध है उससे यह पता लगता है कि एक हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मोनार्की की बात हम कर रहे हैं मगध है एक हाईली सेंट्रलाइज्ड हाईली सेंट्रलाइज्ड बहुत ही भूत आ, अधिकारी तांत्रिक मोनार्की था राजतंत्र था राजतंत्र था जिसमें अधिकारी वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका थी और यह बहुत सेंट्रलाइज्ड पावर वाला स्टेट था और अर्थशास्त्र में भी इन इतिहासकारों की रीडिंग यही है कि अर्थशास्त्र भी बहुत ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट का वर्णन हमें देता है जैसी हिस्टरमैन इस व्याख्या को चुनौती देता है हालांकि उसकी अपना उसकी अपनी व्याख्या जो है वह मुख्यतः अर्थशास्त्र पर ही आधारित है अर्थशास्त्र के अलावा और दूसरे स्रोतों में वह नहीं जाता वो टेक्चुअल स्कॉलर है इतिहासकार नहीं है तो ओरिएंटलिस्ट या टेक्चुअल स्कॉलर है हिस्टोरियन नहीं है तो इसलिए वो केवल अर्थशास्त्र और कुछ दूसरे क्लासिकल ब्रहेनिकल टेक्स्ट के बेसिस पर अपने अपना विचार दे रहा है अर्थशास्त्र के बारे में उसका मत है कि अर्थशास्त्र में जो वर्णन है उसको पढ़ने से लगता है ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत सेंट्रलाइज्ड या ब्यूरोक्रेटिक स्टेट का चित्र हम पाते हैं उसने कहा कि इसमें कुछ ऐसे पैसेजेज हैं जिससे ये लगता है कि सेंट्रलाइजेशन या शक्तियों का केंद्रीकरण सीमित था अगर कौटिल्य का उद्देश्य यह रहा भी हो कि हम सेंट्रलाइज ब्यूरोटिक स्टेट का ब्लू दें तो टेक्स्ट को, के को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि वह अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है उदाहरण के तौर पर उसने कहा हिस्टरमैन कहता है कि 33 डिपार्टमेंट्स का वर्णन है लेकिन लगता है कि ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं उनके बीच लिंकेज कुछ नहीं दिखता है टेक्स्ट में कि हाउ द थर्टी थ्री डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर उनके ऊपर या उनके बीच हैर क्या थी शक्ति की श्रृंखला या हैर ऑफ पावर क्या थी इसका वर्णन हम अर्थशास्त्र में नहीं पाते हैं तो ये एक यू नो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सॉर्ट ऑफ हैंग हैंग आउट Uh, there is no centralizing bureaucratic, सेंट्रलाइजिंग uh, you know chain of command among them. Reading the text according to Hesterman, hmm. दूसरा दूसरी बात यह कहता है हिस्टर कि जो अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया अर्थशास्त्र में उल्लिखित है उससे भी ऐसा नहीं लगता कि यह हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोटिक मुनार थी क्योंकि अकाउंटिंग की जो व्यवस्था है वर्णित उसमें यह लिखा गया है कि आ, आ, फुल मून ऑफ आषाढ़ के दिन पूर्णिमा के दिन सारे महामात्राज, सारे अकाउंटेंट्स जो हैं राज्य के सरकार के वो एक कॉन्फ्रेंस में मीट करेंगे वो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल आ, बंद होगा बाहर से इन कैमरा होगा और वहाँ उन्हें आ, एक निर्णय पर पहुँचना है सहमति पर पहुँचना है और सहमति आपस में उन्हें बनानी है और अगर कोई महामात्रा या अकाउंटेंट डिसग्री करता है तो उसे कोर्स किया जा सकता है उसे दबाया जा सकता है उस पर दबाव डाला जा सकता है लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है कि इन महामात्राज के ऊपर क्या कंट्रोल है राजा का कंट्रोल है राजा वहाँ उपस्थित होगा कि नहीं या राजा के पास ये रिपोर्ट जाएगा कि नहीं इसका कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से हम अर्थशास्त्र में नहीं पाते हैं तो इसका मतलब वो निकालता है कि ये महामात्राज वी आर शेयरर्स ऑफ पावर विद द किंग इन महामात्राज को लगभग राजा के बराबर शक्ति मिली हुई थी ऐसा लगता है आ, उसकी अपनी व्याख्या है हम इसकी व्याख्या कुछ दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं लेकिन हीस्टरमैन की यह व्याख्या है कि महामात्राज जो थे वो स्वतंत्र एजेंट लगते हैं राजा का कोई नियंत्रण उन पर नहीं है एक महामात्रा दूसरे महामात्रा पर दबाव तो डाल सकता है डिस्कशन में लेकिन उस उनके ऊपर कौन शक्ति है राजा का कोई जिक्र नहीं है उसका रिपोर्ट राजा के पास जाएगा इसका जिक्र नहीं है तो लगता है कि महामात्रा जो अकाउंट सेटल कर देंगे वो फाइनल हो जाएगा तो इस तरह से दे बिकम शेयरर्स ऑफ सॉवरेंटी रादर देन सबॉर्डिनेट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द किंग तो ये उसका हिस्टर मैन आर्गू करता है कि अर्थशास्त्र एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मोनार्की का ब्लू नहीं देता उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लूप होल्स छोड़ छोड़ दिए गए हैं जो लगता है कि कौटिल्य का उद्देश्य रहा होगा सेंट्रलाइज करने का लेकिन टेक्स्ट को पढ़ने से लगता है कि वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है आर शर्मा हिस्टरमैन का बहुत डिटेल्ड जवाब देते हैं उनमें एक बात का एक आर्गूमेंट शर्मा का यह है कि आ, ये तो इम्प्लाइड है कि आ, हर डिपार्टमेंट के ऊपर किंग होगा यह तो इम्प्लाइड है अगर उल्लेख नहीं भी है इम्प्लाइड है कि महामात्राज रिपोर्ट करेंगे राजा को क्योंकि और सारे मामलों में स्पष्ट है कि राजा सर्वोपरि व्यक्ति है मंत्रियों अर्थशास्त्र में जिक्र है मंत्रिणों मंत्री परिषदम च इसका मतलब यह हुआ कि राजा सलाह लेता था मंत्रियों मं, मंत्री से व्यक्तिगत रूप से और मंत्री परिषद से कलेक्टिव रूप से तो आ, शर्मा का कहना है और ये शर्मा का कहना है कि आ, ये तो इम्प्लाइड है कि राजा सर्वोपरि शक्ति था मंत्रियों से भी ऊपर था तो महामात्राज के ऊपर भी राजा की शक्ति इट गोज़ विदाउट सेइंग ये इस तरह से शर्मा आर एस शर्मा ने सेंट्रलाइज्ड इंटरप्रटेशन या अर्थशास्त्र में सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक मोनार्की या स्टेट का जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट को आर एस शर्मा ने इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश की है आ, अब आ, एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग है एक और महत्वपूर्ण पहलू है अर्थशास्त्र में जिसे थियरी ऑफ राजमंडला कहा गया है राजमंडल का सिद्धांत थियोरी ऑफ राजमंडल से मतलब कौटिल्य का है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध क्या होगा इंटर स्टेट रिलेशंस का यह सिद्धांत है और थियोरी ऑफ राजमंडला में आ, राजा ये कौटिल्य कहता है कि द वेलफेयर ऑफ ए स्टेट डिपेंड्स ऑन एंड एक्टिव फॉरेन पॉलिसी राज्य संबंध या विदेश नीति पर राज्य बहुत कुछ निर्भर करता है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और राजमंडला के सिद्धांत में छह विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी का जिक्र है जैसे संधि विग्रह मंत्र युद्ध संधि से मतलब है मेकिंग पीस विग्रह से मतलब है हॉस्टिलिटीज से विभेद या विग्रह मंत्र युद्ध से मतलब है डिप्लोमैटिक रिलेशन या डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव से आसन आसन स्टेइंग क्वाइट कुछ नहीं करना चुपचाप बैठे रहना वॉच करना इनमी को सम समसराय सीकिंग प्रोटेक्शन वेन थ्रेटेंड संसराया का मतलब है कि एक दूसरे राजा से संरक्षण लेना अगर हम पर किसी अन्य राजा का आतंक हो या थ्रेट हो और द्वैद द्वैध भाव मेकिंग पीस विथ अ नेबरिंग किंग इन ऑर्डर टू परस्यू हॉस्टिलिटीज़ विथ अनदर किंग एक दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए एक दूस एक अन्य राज्य से मदद लेना द्वई भाव इसे कहा गया है फिर कौटिल्य राज्यों के बीच एक राज्य और दूसरे राज्य के संबंधों के संदर्भ में बारह प्रकार के राज, राज्यों या राजाओं का जिक्र करता है एक तो विजिग्सु विजिक्सु विजिक्सु वह राजा है जो केंद्र में है और जो कॉन्कर करना चाहता है विक्टर बनना चाहता है विजयी बनना चाहता है विजिग्सु अर्थशास्त्र विजिक्सु को क्या करना चाहिए इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन देता है तो विजिक्सु के अलावा और जो दूसरे राज्य मैप पर फैले हुए हैं उन्हें बारह तरह के राज्यों में बांटता है अरी अरी का मतलब एंटागोनिस्ट एक ऐसा राजा एक ऐसा राज्य जो हमारा एंटागोनिस्ट है शत्रु जो हमारा दुश्मन है मित्र जो हमारा अलाई है अरी मित्र, एनिमीज अलाई हमारे दुश्मन का अलाई मित्र मित्र जो हमारे मित्र का अलाई है अरी मित्र मित्र आ, फिर प्रश्न प्रश्न निग्रह अलाइज एनमी एनमी इन द रियर परि परिस नि, परिसनिग्रह हमारे पीछे का राज्य जो हमारा दुश्मन है आकारांडा अलाई इन द रियर पीछे या पार्श्वभाग में जो हमारा मित्र है आ, फिर अंतराधि वीक इंटरवीनिंग किंग दो राज्यों के मध्य में ए अंतराधी जो कमज़ोर राजा है दो मजबूत राजाओं के बीच में मध्यम मध्यम राज मध्यम राज्य या मध्यम राजा मध्यम वह है इंटरमीडिएट किंग उदासीन वह राजा या वह राज्य जो उदासीन है हमारे साथ संबंध रखने में न्यूट्रल है तो इस तरह से नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग दीज डिफरेंट काइंड ऑफ किंग्स और इस्टेट्स इज डिटेल्ड इन दी अर्थशास्त्र और इसी नेटवर्क ऑफ किंगशिप को नेटवर्क ऑफ स्टेट्स को थियरी ऑफ राजमंडला कहा गया है तो मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर संक्षेप में मैंने सोचा था कि सब सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं कुछ न कुछ चर्चा कर लूँ और मेरा उद्देश्य लगभग पूरा हो गया है और अगर कोई प्रश्न हो तो अब हम प्रश्न ले सकते हैं आ, ये तो उनके विचार के बारे में हुआ अगर उनके व्यक्ति एज ए व्यक्ति के तौर पे हम लोग कौटिल्य को जानना चाहें तो कैसे जानेंगे कौटिल्य के बारे में एक तो व्यक्ति के बारे में हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं उनके राइटिंग्स के बेसिस पर उनके टेक्स्ट के बेसिस पर उनके टेक्स्ट को पढ़ने पर लगता है कि वो काफ़ी गहरे चिंतक थे और जिस गहराई से राज्य के विभागों का जिस विस्तार से राज्य के विभागों का वर्णन किया है उन किस जिस विस्तार से उन्होंने अंतर्राज्य संबंधों का वर्णन दिया किया है और उनके बारे में प्रेस्क्रिप्शन या थियोराइज किया है उसे लग लगता है कि वे बड़े आ, गहरे चिंतक थे कॉम्प्लेक्स जटिल चिंतक थे उनके बारे में एक लेजेंड यह है कि वे धुन के बड़े पक्के थे और आ, उनके बारे में है कि किस तरह से उन्होंने आ, उन्हें एक बार आ, महानंद ने मौर्यों के पहले नंदों का शासन था मगध में तो महानंद ने महानंद एक राजा था नंद वंश का उन्हें उसने उन्हें अपमानित कर दिया और उन्होंने अपनी शिखा खोल दी जो चोटी ब्राह्मण बांधते बांधते थे या अभी भी कुछ बांधते हैं आ, उस चोटी को कौटिल्य को, को, ने खोल दिया और उसने कहा कि इसे तब तक नहीं बांधूंगा जब तक नंद वंश का नाश न कर लूं और नंद वंश का नाश करके कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य सॉरी नंद वंश का नाश करके और मौर्य वंश की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री वो बने तो इस तरह से उस व्यक्ति तक्षशिला में वे टीचर थे तक्षशिला एंशियट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो तक्षशिला पंजाब में है अब पाकिस्तान के पंजाब में अब है तो तक्षशिला में कौटिल्य शिक्षक थे और चंद्रगुप्त से उनका हो सकता है संभव है संबंध वहीं हुआ हो हो सकता है उनका वो छात्र भी वहाँ रहा हो लेकिन कुछ तो यह भी विदंतियाँ हैं या कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा और वहाँ से पिकअप करके फिर उस तरह के ट्रेनिंग दे और उसको अंततः वो राज, राजा बनाने में सफल हुए हाँ यह भी यह भी यह भी एक लेजेंड यह भी है कि चंद्रगुप्त को खेलते हुए उसने उसने देखा और उसमें उस चंद्रगुप्त में उन्हें ऐसी कुछ क्वालिटीज़ दिखी कि उसे उन्होंने टिप कर लिया चुन लिया और बल्कि उसमें कुछ खामियां भी देखी और उन खामियों के लिए भी उसे शिक्षा दी कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो ये सब लेजेंड्स जो हैं वो पूरी तरह से लेजेंड uh, ही हों ऐपोक्राइफल हों असत्य हों ऐसा नहीं माना जा सकता है उनमें हो सकता है कि कुछ न कुछ तथ्य हो इस पर अभी काम हुआ है कुछ या नहीं uh, इन इस लेजेंड के बारे में तो मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि इतिहासकारों ने का इस पर क्या मत है लेकिन चंद्रगुप्त के ओरिजिन uh, के बारे में इतिहासकारों ने तीन मतों का उल्लेख किया है uh, कुछ स्रोतों में उसे वैश्य बताया गया है कुछ स्रोतों में उसे क्षत्रिय बताया गया है और कुछ स्रोतों में उसे शूद्र बताया गया है तो तीन ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनका जिक्र हम पाते हैं अब रोमिला थापर ने जैसे इन तीनों स्रोतों का उल्लेख कर दिया है कि तीन स्रोत हैं जिन पर इतिहासकारों का ध्यान जाता है लेकिन इन तीनों में कौन सही है यह कहना मुश्किल है और अर्थशास्त्र में एक बात मुझे और ध्यान देने की लगी है कि अर्थशास्त्र में जो थियोरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट है उसमें मंत्रियों के बारे में तो यह लिखा है उसने कि मंत्रियों को नोबल फैमिली में जन्म होना चाहिए अच्छे परिवार से होना चाहिए दे शुड बी वेल बॉर्न लेकिन राजा के बारे में उसने नहीं लिखा है कि वो अच्छे फैमिली से आवे राजा के बारे में यह नहीं लिखा है कि वह कुलीन हो नहीं लिखा है अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि राजा में क्वालिटी जैसे क्वालिटी जैसे जिक्र हुए हैं कि राजा को मधुभाषी होना चाहिए राजा को के अच्छे संस्कार होने चाहिए राजा डिप्लोमेटिक होना चाहिए राजा को लोगों को अपने प्रेम से जीतने वाला होना चाहिए राजा को एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए राजा को ब्राह्मण का आ, की, की, को प्रतिष्ठा देनी चाहिए मंत्रियों की सलाह माननी चाहिए लेकिन जैसे मंत्रियों के बारे में लिखा है कि वो कुलीन हों ये मैंने नहीं देखा है अर्थशास्त्र में मैंने जो पढ़ा है अभी तक उसमें ये जिक्र नहीं है तो राजा न केवल चंद्रगुप्त के केस में हम पाते हैं कि शूद्र भी वो शायद हो सकता है शूद्र हो सकता है कि शूद्र था बल्कि बाद के भारतीय इतिहास में भी हम देखते हैं कि राजा हमेशा कुलीन वर्ग से ही नहीं आए हैं राजा निम्न वर्गों से भी आए हैं निम्न जातियों से भी आए हैं जैसे महाराष्ट्र में ही छत्रपति महाराज शिवाजी जब राजा हो गए तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करना मना कर दिया कि आप तो क्षत्रिय नहीं हैं आप मराठा हैं आप कृषक वर्ग के हैं मराठा हैं आप क्षत्रिय नहीं हैं आपका राज्यभिषेक हम कैसे करें तो फिर बनारस से काशी से पंडितों को बुला करके महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक कराया गया okay. मित्रों ये था आज का कार्यक्रम कौटिल्य के विचार उनके व्यक्तित्व और कौटिल्य व्यक्ति के तौर पर भी कैसे थे जिस तरह की आज के व्याख्यान से सामने आया कि उस समय भी एक काफ़ी विस्तृत व्यवस्था थी काफ़ी सो आ, सोची समझी नीति के तहत हर चीज़ को आ, किया जाता था तो जो हम लोग 2000 साल पहले की बात कर रहे थे अगर आज के दृष्टिकोण में भी देखें अभी के समय में भी देखें तो एक चीज़ जो सामने आता है कि चिंतन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है और उस चिंतन की प्रक्रिया में कब कैसे क्या किया जाए तत्कालीन चिंतकों ने अपना अहम योगदान दिया है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रशस्ति का काम किया है एक दिशा निर्देश के काम किए हैं तो इस उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा और आगे एक दिशा देगा आज के व्याख्यान को ही खत्म करते हैं आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से प्रोफेसर एम पी सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच धन्यवाद